अच्छा, अब यहाँ पे जो 2019 में सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और साल की जो शुरुआत हो रही है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन से हो रही है कि 2019 में एक टीवी को देखने के लिए आपको केबल ऑपरेटर को मिनिमम कम से कम कितना पैसा देना पड़ेगा। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, क्या क्यों कैसे कब, देखो अब। हाँ, देखो अब। अच्छा, आपको पता होगा यहाँ पे दो वर्ल्ड वॉर पहले हो चुके हैं, लेकिन तीसरा वर्ल्ड वॉर अभी तक क्यों नहीं हुआ? उसका एक सिंपल सा कारण है कि उसके बाद लगभग लोगों को पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ टीवी नाम का यंत्र है। आप सोचोगे टीवी से कैसे यहाँ पर सुख शांति रहती है, तो यहाँ पे देखो कैसा है। अगर टीवी नहीं होगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, इरिटेशन बढ़ेगी, लड़ाइयाँ बढ़ेंगी, किचड़ पिचड़ बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टीवी नहीं होगा तो लोगों पर टाइम इतना होगा कि या तो वो लड़ेंगे मरेंगे या फिर कुछ अच्छा करेंगे। और क्या है कि ये कलयुग है, तो कलयुग में ना लोग लड़ाई झगड़े में ज्यादा विश्वास रखते हैं और शांति में कम रखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज बता दूं मैं आपको कि अगर आपके पिताजी टाटा बिरला अंबानी इनमें से किसी को भी जानते हैं या फिर किसी मंत्री को जानते हैं तो आपको ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा बहुत है आपके पास। लेकिन वो लोग जो यहाँ पे हर कदम फूंक फूंक के रखते हैं और सोचने की यार यहाँ पे इतना पैसा क्यों दे, उनके लिए वीडियो है। लेकिन सब देख लीजिए, मैं तो यही चाहूंगा। तो अब ट्राई एक आया है नए रूल के साथ और उसने बोला कि 2018 तक जो भी हो रहा था उसे भैया पोछा लगा दे उस सब पे, और अब 2019 से नए रूल अप्लाई होंगे। पहले आप जितना भी चैनल देखते थे मैटर नहीं करता है, अब आपको मिनिमम देना होगा ₹130 प्लस GST। मतलब कि ये मिनिमम चार्ज है अगर आप टीवी जिंदा रखना चाहते हो। अगर क्या आज के टाइम में ना टीवी जिंदा रखना भी एक स्टेटस वाली बात है। मतलब क्या आप सोचो यार, कभी रिश्तेदार आए उन्होंने बोला यार टीवी चालू करो और आपने बोला नहीं वो जरा टीवी का रिचार्ज खत्म हो गया, कल रात को हुआ था, चाहे वो एक महीने पहले हुआ हो, थोड़ा एम्बेरस फील होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जो नया प्लान है, जो नए रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम आपको पे करना होगा ₹130 प्लस GST जो कि है 18%। मतलब दोनों मिलकर लग जाता है आपका लगभग ₹154। उसमें मैं बता देता हूँ कि 100 चैनल कैसे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो पहले 25-26 चैनल है ये तो भैया हो गए आपके दूरदर्शन के चैनल, और बाकी जो ऑप्शन बचे यहाँ पे लगभग आपके 75 चैनल के वो हो गए आपके सारे फ्री टू ईयर चैनल, मतलब जो भी फ्री चैनल है। अब बात करें इन 100 चैनल की, तो यहाँ पे देखो जो पहले 25 चैनल है दूरदर्शन, उनसे तो यार मुझे लगता है आप इतने दूर हो कि कभी शायद आपने दर्शन भी नहीं किए होंगे उन चैनल के। और बाकी जो 75 चैनल वो भी मतलब ऐसी हैं जो समय से पीछे चल रहे हैं, जिस पे वो घिसा पिटा कंटेंट आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर आप बस दिखाने के लिए टीवी को ऑन रखना चाहते हो तो ₹154 देने होंगे हर महीने। लेकिन उसके अलावा अगर आपको रियल में टीवी पे कुछ देखना है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पेड चैनल यहाँ पे खरीदने पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए डीडी वाले चैनल जो ये ट्यूमर देने वाले चैनल है ये तो कंपलसरी है भैया, इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन इसके अलावा जो 75 चैनल का गैप है इसमें आप पेड चैनल भी ले सकते हो। अब एक चीज और ध्यान रखना है यहाँ पे कि 2 HD चैनल और 1 HD चैनल दोनों बराबर होंगे। अब ऐसा कर करके आपने 100 चैनल बना लिए, अब आपको लगा कि नहीं यार मेरे को 101 चैनल चाहिए, मतलब 100 से मजा नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा, जैसे ही आप 100 से पार करोगे 1 पे जाओगे वहां पे आपको एक्स्ट्रा ₹20 देने पड़ेंगे। मतलब कि अब आपके पास जो बैंडविड्थ हो गई उसके अंदर 120 चैनल हो गए। अब 120 चैनल, अगले जो 20 चैनल है वो आप कोई भी पेज चैनल खरीद सकते हो। जैसे ही 120 चैनल को आप क्रॉस करना चाहोगे, मतलब आप चाहोगे नहीं यार अब तो मेरे को 121 चैनल भी चाहिए, शुभ होता है हमारे इंडिया में तो सब कुछ 121 से 151 होना चाहिए, तो यहाँ पे भैया आपको फिर से देने पड़ेंगे ₹20। मतलब कि जितनी बार आप ये बैंडविड्थ क्रॉस करोगे हर बार आपको ₹20 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अब यार मुझे लगता है यहाँ पे कि विश्व शांति बनी रहेगी, क्योंकि शायद आपको अब तो समझ में आ गया होगा कि मिनिमम आपको कितना पे करना पड़ेगा। हालांकि जो मिनिमम है ये भी बहुत बड़ा लूप होल है, क्योंकि कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ट्यूमर वाले चैनल से सारे, जिसको देख के आपका मन करेगा कि यार टीवी उठाकर फेंक दूं या फिर घर में वैसे ही अशांति मचा दूं लेकिन ये चैनल्स ना देखूं। लेकिन फिर भी मिनिमम जो है आपको टीवी अगर जिंदा रखना है तो ₹154 देने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे एक बड़े से क्वेश्चन का एक छोटा सा आंसर था कि आपको मिनिमम कितना पैसा देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यार समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है, क्वेश्चन है, सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया होगा आपने वीडियो देखते देखते, नहीं किया तो तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।